कल्याण पूर्व में एक घटना से हड़कंप मच गया है। युवती का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 7 युवक पिछले 1.5 साल से पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। लड़की के मोबाइल में मिले सुसाइड नोट की जांच करते हुए कोलछेवाड़ी पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक युवती भी शामिल है। आरोपी तरुणी 7 युवकों को वारदात को अंजाम देने के लिए मदद कर रही थी। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी कल्याण के एक नामी बिल्डर के बच्चे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की जा रही है। घटना 2 दिन पहले की है, जब कल्याण पूर्व इलाके में एक युवती ने आवासीय भवन की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लड़की हाल ही में बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुई थी। वो 12वीं की परीक्षा में 71% से पास हुई थी। उसकी आत्महत्या के बाद कोलछेवाड़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस को मृतक लड़की के मोबाइल फोन में एक सुसाइड नोट मिला। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू की। सुसाइड नोट के टेक्स्ट से पुलिस हैरान रह गई। मृतका के साथ पिछले 1.5 साल से उसी इलाके में रहने वाले 7 युवकों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन शोषण किया। चौंकाने वाली बात यह है कि 7 विकृत पुरुष एक युवती को इस अपराध को अंजाम देने में मदद कर रहे थे। ये युवती थी पीड़िता की सहेली। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में सनी, विजय यादव, प्रेमी तिवारी, शिवम पांडे, कृष्णा जायसवाल, आनंद दुबे, निखिल मिश्रा और काजल जायसवाल है। कृष्णा जायसवाल और काजल जायसवाल भाई बहन है। इसी बीच पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कुछ कल्याण में धनी बिल्डरों के बच्चे है। 2.5 वर्षापूर्वी जी आत्महत्या के लिए मुलीने तिच्या सोबत इंस्टाग्राम पर एका मुलाचं ओळख झाली होती इंस्टाग्रामवर, आणि नंतर त्यांचं तिला वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे तिचं मोलेस्ट्रेशन करणे, तिचं विनयभंग करणे अशा प्रकार सुरू झाले। मग एकाने तिचा व्हिडिओ काढला, फोटो काढला आणि हळूहळू एकमेकाला पास करत राहिले। जो ज्या माणसाला त्यांनी मदतीची याचना केली त्या त्या माणसाने तिचं शोषण केलेलं आहे, आणि तिच्या शोषणामुळे ती आता आईवडिलांना सांगू शकत नव्हती। सारखी जाऊन रडायची, बाथरूममध्ये जाऊन रडायची, आणि वर टेरेसवर हे मुलं जमायचे। काल परवा ती मुलं टेरेसवर होती आणि ती इतकं तिचा अतिरेक झाला का तिने त्या तिच्या मोबाईलमध्ये नोट्स लिहून ठेवलेले आहेत आणि संपूर्ण डिटेल स्टोरी तिनं सांगितलेली, कथन केलेली आहे। आणि अतिशय ती डिप्रेशनमध्ये गेलेली होती। तिली खरी आवश्यकता तिला तिने कोणातरी आपल्याकडे हे कथन करणं गरजेचं होतं। तिनं केलं असतं तर खरोखर तिचं ही वाचली असती। आणि या मुलांनी त्या वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे मोलेस्टेशन केल्यामुळे, विनयभंग केल्यामुळे तिनं हा कोटीचा पाऊल उचललेला आहे आणि आत्महत्या केलेली आहे। मेरी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, साकेत ग्रुप वालों ने मिलकर हमारी बच्ची का बलात्कार किया, उसे टॉर्चर किया गया और उसे छत के ऊपर से ढकेल दिया गया। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, अभी पुलिस वालों के ऊपर है, पुलिस वाले हमारी सुरक्षा करें और हमारे ऊपर दबाव दिया जा रहा है। एक 18 वर्षाचा जीव ह्या पोलीस म्हणजे त्या नराधमांमुळे गेलेला आहे आणि तिने सुसाईड नोट लिहिले जी पोलिसांना मिळालेली आहे तिच्या मोबाईलमध्ये। आणि असं असताना ह्या फक्त कसं आहे की ही जी आरोपी आहेत 7 ते 8 जणं हे सगळे धनदांडगे विकासकांची मुलं आहेत आणि ह्या मुलांना वाचवण्यासाठीच ह्या कोळशेवाडी पोलीस स्टेशनने त्यांच्यावर फक्त 306 हा गुन्हा दाखल केला आहे। म्हणजे फक्त आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केलेला आहे, पण तिच्या ब्लू फिल्म्स बनवल्या आहेत, सगळं केलेलं आहे। आणि असं असताना कोळशेवाडी पोलिसांनी हे असं पाऊल का त्या गुन्हेगारांना सोडण्यासाठी उचललेलं आहे की 306 कलम लावले फक्त? म्हणजे हे सुशासन आहे की दुःशासन आहे? हे कोळशेवाडी पोलीस स्टेशनच्या बाबतीत नेहमी अशा घटना घडत असतात आणि हे सगळं सरळ सरळ आरोपींना सोडण्यासाठीच फक्त त्यांच्यावरती 306 हा गुन्हा दाखल केलेला आहे। बॉसने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बाहर बाहर उठो बैठो, उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।